को आइंदा कभी कॉमन सब्जेक्ट मत बोल दीजिएगा। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और हमें इस पर गर्व है। सुबह से शाम तक काम काम, जीवन में सुख नाम का कोई चीज ही नहीं है। तुम तो पढ़ते पढ़ते सो गए। नहीं बस मैं वो आंख लग गई थी थोड़ी सी। कोई बात। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अब जल्दी जाओ। जा रहा हूं। ओके बाय। हे भगवान, आज इसकी रक्षा करना, इसको इसके पापा से पिटने से बचा लेना। पापा नहीं, पापा, पापा प्लीज। नहीं नहीं दिया तेरा पापा। पापा पापा इतनी रात को प्लीज गरीब हम को फोन मत कीजिए। पापा मैं तेरी तरह पागल नहीं हूँ, सुबह फोन करूंगा। मैं भी तो देखूं कौन ऐसी टीचर है जिसने मेरे बेटे को फेल कर दिया। ओफो, कौन है डिस्टर्ब कर रहा है? स्कूल में दिन भर टट्टे सुनो और यहाँ पे भी। हेलो, आप प्रतीक की टीचर बोल रही है ना? आपने उसे हिंदी जैसे कॉमन सब्जेक्ट में फेल कर दिया। आपको पता है वो किसका बेटा है? इस शहर के सबसे बड़े करोड़पति कपिल ठाकुर का बेटा है। मेरा बेटा है वो। और आपकी हिम्मत कैसे हुई उसको फेल करने की? सर मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। शिक्षा कोई अमीरी गरीबी नहीं देखती है। जो मेहनत करेगा वो पास होगा और जो मेहनत नहीं करेगा वो तो फेल होगा ही। और हाँ, हिंदी को आइंदा कभी कॉमन सब्जेक्ट मत बोल दीजिएगा। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और हमें इस पर गर्व है। देखिए मैडम, आपसे बहस नहीं करना चाहता। अब कल से ही मेरे बेटे को हिंदी की ट्यूशन पढ़ाने आएंगी। आपको स्कूल से जितनी भी सैलरी मिलती है उससे डबल मिल जाएगी। बाकी बातें जब आप मेरे घर आएंगे तब करेंगे। हेलो हेलो, फोन रख दिया बिना बात सुने। वैसे घर में घुसने का मौका तो अच्छा है। वैसे तो अमीरों के सौ खून माफ होते हैं, यहाँ पे तो सिर्फ चिलगुजे को पढ़ाना है। वैसे चूजा दिखता तो हैंसम है, रिच भी है, आसानी से काबू में भी आ जाएगा। बस उस घर में एक बार एंट्री हो जाए मेरी, उस घर पर राज करूंगी और उस चुलगेजे को अपनी उंगलियों पे नचाऊंगी। अरे वादी, आज तो बड़ी खुश लग रही हो। हाँ बैठ। पता है मैं बहुत जल्द अमीर होने वाली हूँ। अच्छा, तो इस महीने मेरी सिंग ट्रेनिंग सेंटर की फीस भर दोगी ना? बिल्कुल नहीं, तेरे लिए अमीर बनने वाली नहीं हूँ मैं। इस घर का किराया मैं देती हूँ, सारे खर्चे मैं उठाती हूँ, तू एक रुपए की हेल्प नहीं करती है। इतना एहसान काफी नहीं है क्या? दी, कैसी बात कर रही हो? मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूं। छोटी बहन हूं इसीलिए इस घर में टिकी हुई हूं बगैर पैसे दिए। और हाँ, अपनी फीस का अरेंजमेंट ना तुम खुद करो, और अभी मेरा मूड मत खराब करो। चलो अपने कमरे में जाओ, चलो जाओ यहां से, जाओ। छोटी बहन है तो क्या हुआ, आपको पैसे बांटती फिरू क्या? पैसे के आगे कोई रिश्तेदारी नहीं। बाप रे,
सुबह से शाम तक काम काम, जीवन में सुख नाम का कोई चीज ही नहीं है। देखो साहब, पेपर छोड़ गए, मैगजीन छोड़ गए, अरे साला ये कब बवाल चीज है। गजब फोटो है, जब फोटो में इतना सुंदर है तो हकीकत में तो बिजली गिराती होगी। काश ऐसी कन्या हमारा जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। फिलहाल फोटो से काम चलाते हैं। आहा, सुनिए, आ गई। बड़े साहब हैं क्या? बड़े साहब बाहर हैं। अच्छा, और प्रतीक? छोटे साहब ऊपर वाले कमरे में, और हम बनवारी लाल हैं। मैं जितना सोचती थी उससे कहीं ज्यादा अमीर है ये प्रतीक। अगर वो मेरी मुट्ठी में आ गया तो ट्यूशन फीस के अलावा अच्छा खासा माल निकाल सकती हूँ मैं यहाँ से। कमाल है, ऊपर वाले ने भेज ही दिया। धन्य हो प्रभु। मैम, आप यहाँ? अरे तुम तो पढ़ते पढ़ते सो गए। नहीं बस, मैं वो आंख लग गई थी थोड़ी सी। कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा ने बोला था आज से ट्यूशन स्टार्ट करने को। अच्छा अच्छा, हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालो। मैम हिंदी की टेक्स्ट बुक तो अलमीरा में बैग के अंदर, मैं अभी अलमारी से लेके आता हूँ। अच्छा सुनो, तुम मुंह धो लो, मैं निकालती हूँ। जी मैम। मैंने तुम्हारे अलमीरा में ज्वेलरी देखी, इतनी सारी किसकी है? ज्वेलरी वो एक्चुअली मैम मेरी मम्मी के गुजर जाने के बाद मम्मी ने मेरी होने वाली वाइफ के लिए संभाल के रखी थी। लकी गर्ल। चलो गुना के गीत वाली कविता पढ़ के सुनाओ। जी जी मैम। अगर मैंने किसी के होठ के पतल कभी चूमे, अगर मैंने किसी के मन के बादल कभी चूमे, महज इससे किसी का प्यार मुझको पाप कैसे हो? तुम्हारा मन अगर सींचूं, गुलाबी तन अगर, मैम 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 बहुत अच्छी कविता सुनाई है तुमने, कंटिन्यू करो। यस मैम। हाँ, वो दोनों कंटेनर गोडाउन में रखवा देना, और कल की शिपमेंट तैयार है।
हाँ कोई गुफ अप नहीं होना चाहिए। ठीक है बाकी सब मैं देख लूंगा। हाँ हाँ डोंट वरी बात हो गई। ओके बाय। हेलो शायद आप प्रतीक के फादर हैं, राइट? जी सर मैं वही हूँ जिसकी आपने फोन पे बोलती बंद कर दी थी, गरिमा। अरे गरिमा जी आई एम सो सॉरी फॉर दैट। उधर सर बच्चे की पढ़ाई का कंसर्न था तो इसीलिए। इफ यू डोंट माइंड दैट। वैसे आप सही कह रही थी, हिंदी कोई कॉमन सब्जेक्ट नहीं है, हमारी राष्ट्रीय भाषा है। वैसे मैंने तो सोचा कोई ओल्ड टीचर होगी, बट आप तो काफी जवान हैं और खूबसूरत भी। थैंक यू सो मच। वैसे आप भी काफी फिट और हैंडसम हैं। थैंक यू सर। मुझे आपसे एक बात करनी थी, वो प्रतीक का पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता तो मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो कीजिए ना, आप जितनी चाहे मेहनत कीजिए और जैसा ट्रीटमेंट चाहे वैसा कीजिए, मेरी तरफ से खुली छूट है। और अगर आप रात को पढ़ाते पढ़ाते लेट हो जाए तो बी माई गेस्ट, हमारे गेस्ट रूम में रुकिए। बाकी संडेज और हॉलीडेज को तो आप यहीं रहेंगे, सो प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी तरफ से आपको कोई कमी नहीं होगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। प्रतीक का बाप कुछ ज्यादा ही मेहरबान नहीं हो रहा है, प्रतीक के साथ साथ इसका भी ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। मैम ये आप क्या कर रही हैं? देखो प्रतीक, जैसा मैं चाहती हूँ तुम्हें वैसा करना होगा, वरना मैं तुम्हारे पापा से शिकायत कर दूंगी कि तुम्हारा पढ़ाई में कोई फोकस नहीं है, समझे? मैम छोड़िए मुझे, क्या कर रही हैं आप, ये गलत है ये। देखो प्रतीक, कुछ भी गलत या सही नहीं होता, अगर तुम गलत सोचोगे तो गलत लगेगा और अगर सही सोचोगे तो सब सही लगेगा। मैम बस कीजिए, क्या कर रही हैं आप? रिद्धि, इस टीचर की ना हरकतें मुझे सही नहीं लग रही है। पता है बार बार किसी भी बहाने से मुझे टच करने की कोशिश करती है, बैड टच, तुम समझ रही हो ना? अरे तो तुम पापा को बता क्यों नहीं देते, उनसे बोलो कि उन्हें घर से बाहर निकालें। मुझे भी यही लगता है, अब यही रास्ता बचा है, आज ही बात करता हूँ पापा से जाकर। करीमा जी कितनी अच्छी लड़की है, कुंवारी है, इतनी समझदार है। प्रतीक की माँ के गुजर जाने के बाद ये पहली लड़की है जिसने मेरे दिल को छुआ है। पापा मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोलो ना। वो मैं एक्चुअली बोलो, करीमा जी के बारे में बात करना चाहता हूँ। बोलो। मैं गरिमा जी से ट्यूशन्स नहीं पढ़ना चाहता, आप प्लीज उन्हें मना कर दीजिए। क्यों पापा? मैं आपको कैसे बताऊं पापा वो मुझे गलत तरीके से छूती है पापा, और गंदी नजरों से देखती है पापा, वो सही औरत नहीं है, वो गंदी औरत है। बदतमीज, गरिमा जी के बारे में गंदी बात करता है। पापा मैं सच बोल रहा हूँ पापा, वो मुझे सच में गंदे तरीके से छूती है पापा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो बहुत ही अच्छी लड़की है, और सच बात तो ये है कि तू पढ़ना ही नहीं चाहता। आज के बाद अगर कोई ऐसी बात हुई ना
तो अपना हिसाब लगा लेना, दफा जाए ऐसे। जी पापा। माँ जी इतनी अच्छी लड़की है, उसके बारे में गंदी बात करता है। तुम्हें क्या लगा तुम मेरी नजरों से बचोगी हाँ? और गांव से आकर यहाँ रहने लगी? कब तक बचेगी और कहाँ तक भागेगी? एक ना एक दिन तो हाथ ही आएगी ना। छोड़ूंगा नहीं तुझे। दो पेज कॉपी करने में कितना टाइम लगता है? बस मैम कर रहा हूँ अभी। अच्छा वो लोक भारती वाली किताब कहाँ है? लोक भारती मैम वो तो मेरे बैग में है, मैं लेके आता हूँ। अच्छा तुम बैठो, मैं लेके आती हूँ। अच्छा कहाँ है, मुझे मिल नहीं रही है। मैम वो ना मैम पीछे वाली चेन जब आप खोलेंगी सामने सामने आपको किताब पड़ी हुई नजर आ जाएगी। अरे इधर देखो ना। मैम वहीं पे पड़ी है। अरे देखो ना कहाँ रखी है। हाँ यही थी, मिल गई, यही रखी थी। मैम क्या कर रही हैं आप, ये क्यों तंग कर रही हैं आप मुझे? प्रतीक मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। अरे पर मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ ना। आपकी जैसी ओजी हरकतें हैं ना, आपको तो कोई कुत्ता भी मुंह ना मारे। एक ही लड़का जो भाव तक नहीं देता, उसका बाप लट्टू की तरह मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। बनवारी छोटे साहब कहाँ पर हैं? जी मैम ऊपर हैं। मैम साहब बड़े साहब ने आपको अंदर बुलाया है, वो छोटे साहब के पढ़ाई के बारे में कुछ बात करनी है। अच्छा इधर से जाइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून गरिमा जी। लाया आपने? आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। कोई खास बात? नहीं कुछ खास बात नहीं है, मैं सोच रहा था कि आपकी सैलरी डबल कर दी जाए। सच? अब फीस डबल चाहिए तो ट्यूशन भी डबल ही देनी होगी। सर मैं पैसों के लिए ये सब नहीं करती। अगर आप मुझे सच में हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए एक खास रस्म होती है जिसको शुद्ध हिंदी में शादी कहते हैं। मैं तो तुम्हें ऐसी वैसी लड़की समझ रहा था, पर तुम तो बहुत शरीफ निकली। सर मैं आपके पास इसलिए आई हूँ क्योंकि आपकी आंखों में मेरे लिए सच्चा प्यार दिखता है। छोटे साहब
इस औरत ने बड़े साहब को अपने वश में कर लिया है। इस खेल को हमें रोकना होगा, नहीं तो गजब हो जाएगा। बनवारी लाल, हम क्या कर सकते हैं? देखा ना, पापा खुद फिसल गए। अब ना हम कुछ कर सकते हैं और ना तुम। हम दूर कर सकते हैं छोटे साहब, दूर कर सकते हैं बड़े साहब को इस औरत से। सुंदरता से सत्यानाश भी हो सकता है, आज हमें पहली बार पता चला। हम जान ले लेंगे इस टीचर का। सब कुछ खत्म हो गया है रिद्धि, सब कुछ खत्म हो गया। क्या हुआ, क्या है प्रतीक? वो टीचर ने मेरे पापा को अपने जाल में फंसा लिया। आज मेरे पापा उसके साथ एक ही बिस्तर पे थे। क्या? अब मैं क्या करूं रिद्धि? पापा तो उसके साथ शादी करने के सपने देख रहे हैं। हे भगवान, प्रतीक, कि तुम्हारे पापा ठीक नहीं कर रहे हैं। अब सब कुछ मेरे बर्दाश्त के बाहर हो रहा है रिद्धि। मैं इसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं अपनी जान ले लूंगा रिद्धि, लेकिन मैं ये सब नहीं सह सकता। प्रतीक, ऐसा नहीं बोलते और ऐसा सोचना भी मत। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। एक तुम ही तो हो रिद्धि जो मुझे समझती हो, जिसके साथ मैं अपने दिल का हाल बता सकता हूँ। यू हैव नो आइडिया हाउ मच यू मीन टू मी, यू मीन वर्ल्ड टू मी। आई लव यू रिद्धि। क्या कर रहे हो? आप कौन है? तू जानती है रिद्धि मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे? कहाँ है गरीबन? तला थक गया मैं ढूंढ ढूंढ के उसे। चोरी उसे कहाँ? घर में ना? नहीं नहीं दीदी घर पे नहीं है। और तुम जाओ यहाँ से। अगर तूने नहीं बताया तेरी बहन कहाँ है तो फिर देख लेना। जान से मार दूंगा मैं। रिद्धि, रिद्धि कौन था ये? और ये तुम्हारी बहन को क्यों ढूंढ रहा है? तुम जाने दो। अरे रिद्धि कैसे जाने दूं? बताओ ना प्लीज रिद्धि बताओ। नहीं, ये बात मैं किसी को नहीं बता सकती, दीदी को भी नहीं, नहीं तो पुलिस केस हो जाएगा। अच्छा सुनो, आज से तुम इस घर का भाड़ा और अपने खर्चे खुद ही उठाना। मैंने अपने लिए अपना अरेंजमेंट कर लिया है। वादी, बहुत अच्छा कर रही हो तुम। जब तुम्हारे स्कूल की जॉब नहीं थी ना, तब मैंने तुम्हारा खर्चा उठाया, तुम्हारे स्ट्रगल टाइम पे तुम्हारा साथ दिया, और आज जब मेरी नर्सिंग की ट्रेनिंग चल रही है, मेरा हाथ तंग है, तब तुम मेरे सारे एहसान भूलकर मुझे छोड़कर जा रही। और जो उस टाइम चेहरे पे मेकअप लगाती थी ना, वो भी मेरे पैसों का था। कोई एहसान नहीं किया तुमने। जब तुम बाहर काम करती थी तो मैं घर का सारा काम देती थी, समझी? अगर अपने लिए कमा नहीं सकती ना, तो वापस गाँव चली जाओ। मुझे तुमसे अब कोई मतलब नहीं है, समझी? गरिमा जी, तुमने छोटे साहब को पढ़ाने के बहाने बड़े साहब को फंसाया है। हम तुमको इसका मजा जरूर चखाएंगे।
नहीं मानता इस शादी को, मैं नहीं मानूंगा इस शादी को। अरे पापा, आपको पूरी दुनिया में यही औरत मिली थी शादी करने के लिए। मैं आज इस औरत को इस घर से बाहर निकाल के छोड़ूंगा। हटिए हटिए, चल तुझे दिखाता हूँ मैं, चल तुम्हारे, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं आज मैं। इस औरत ने आखिर पिटवाही दिया छोटे साहब। दवा अच्छे से हो रही है, अब मुझे घर से भगाने का भूत उतर जाएगा। कपिल जी छोड़े, जाने दीजिए, जाने दीजिए, आज हमारी शादी हुई है, ऐसे खुशी के मौके पे ये सब अच्छा नहीं है। देखा तूने, इस लड़की को तू गलत बोल रहा था और इसी ने तेरी जान बचाई है। आप कमरे में जाइए, मैं आती हूँ। पनवारी जी, आप पंडित जी को बाहर तक छोड़ आइए। जी आइए पंडित जी, चलिए। क्या चाहते हो तुम बेटा? ये मंगलसूत्र देख रहे हो, मुझे तुम्हारे बाप ने पहनाया है। मुझे इस घर से तुम क्या, तुम्हारी सात पुश्ते भी नहीं निकाल सकती। और अगर ज्यादा चूचापाट की ना तो तेरा दाना पानी भी बंद करा दूंगी, समझे क्या? ध्यान से सुन, तेरी साजिश है ना, मैं इस घर में नहीं चलने दूंगा। या तो आज इस घर में तू रहेगी या मैं रहूंगा। ठीक है, फिर डिसाइड हो गया, मैं रहूंगी बच्चू। इस घर से मुझे तुम क्या, तुम्हारी सात पुश्ते भी नहीं निकाल सकती। और अगर ज्यादा चू चपाट की ना तो तेरा दाना पानी भी बंद करवा दूंगी। मैं वॉशरूम होकर आता हूँ, तुम तब तक चेंज कर लो। पानी गरिमा, गरिमा कहाँ हो तुम? लो, तुम यहां सो रही हो। गरिमा, गरिमा, उठो। गरिमा, 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 गरिमा। बनवारी, बनवारी, ये गरिमा को क्या हो गया? बनवारी, प्रतीक, इंस्पेक्टर साहब,
किसी ने मारा मेरी गरिमा को? पापा अभी क्या बकवास कर रहे, मैं तो सो रहा था अंदर। मैं तेरी जान ले लूंगा। पापा छोड़िए, आप अपने जज्बातों को काबू में रखिए। इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। वो ना हो इसी ने मेरी गरिमा को मारा है। अरे मैं क्यों मारूंगा गरिमा को? आप दोनों और गरिमा के अलावा इस घर में और कौन रहता है? बनवारी, बनवारी, बता इनको कि इसी ने मेरी गरिमा को मारा है। बता ना। जी साहब, साहब गरिमा जी और बड़े साहब के रिश्ते से छोटे साहब बहुत नाराज थे। गरिमा जी की वजह से बड़े साहब ने छोटे साहब को बहुत मारा भी था, तो हो सकता है गुस्से में छोटे साहब ने गरिमा जी को मार डाला हो। बनवारी तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो? ये सही कह रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लीजिए इसे। इंस्पेक्टर साहब एक मिनट। ये रुमाल किसका है? आपका? नहीं। तुम्हारा? फिर ये मुकुंद शाही कौन है? ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हो ना हो, मुझे लगता है कि उन इसी ने किया है। तुम एक काम करो, गरिमा का फोन चेक करो कि उसमें मुकुंद शाही नाम का नंबर है या नहीं। सर, मेरा मुकुंद शाही का नंबर। हेलो, मैं तुम्हें एक नंबर टेक्स्ट कर रहा हूँ, उसे ट्रैकिंग पे डालो। कहाँ भाग रहा था? चलो सर। पुलिस को बेवकूफ बना रहा है? चल तुझे बताता हूँ, चल बता तूने अपनी पत्नी को क्यों मारा? क्या मेरी पत्नी? वो मेरी पत्नी कभी थी ही नहीं, इसलिए मैंने उसे मारा। उसने इससे शादी की, मुझे धोखा दिया, वो मर गई, खेल खत्म। और हाँ, वो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि इससे भी धोखा दे रही थी। उसने तुम्हें कभी बताया कि वो शादीशुदा है?